पार्ट टू कंप्यूटर लेसन वन पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के प्रकार अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग प्रिंसिपल मॉडर्न कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स यानी मॉडर्न कंप्यूटर के प्रिंसिपल वर्किंग के अनुसार उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर अब पढ़ेंगे हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में एनालॉग कंप्यूटर इज ए कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यू एनालॉग कंप्यूटर वो ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि लगातार काम करते रहता है द रिजल्ट गिवन बाय द एनालॉग कंप्यूटर विल ओनली बी अप्रॉक्सिमेट सिंस दे डील्स विद द फिजिकल वेरिएबल सच एज वोल्टेज प्रेशर टेम्परेचर स्पीड इटीसी एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कभी भी रिजल्ट देगा तो अप्रॉक्स में देगा और इसका यूज़ फिजिकल वेरिएबल के लिए किया जाता है जैसे कि वोल्टेज का माप प्रेशर का टेम्परेचर का और स्पीड वगैरह का सेकेंड इज डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डाटा सच एज नंबर डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कभी भी डिजिटल डाटा दिखा ऑपरेट करता है जैसे जिसमें सिर्फ नंबर होते हैं इट यूज बाइनरी सिस्टम इन विच देयर आर ओनली टू डिजिट्स 0 and 1 ये जो होता है वो कभी भी बाइनरी सिस्टम में यूज होता है जिसमें 0 and 1 होते हैं डिजिटल कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इन टू 4 main categories डिजिटल कंप्यूटर को हम 4 main parts में डिवाइड करेंगे फर्स्ट सुपर मेन फ्रेम मिनी एंड माइक्रो पढ़ेंगे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जैसा कि नाम से ही लग रहा है सुपर कंप्यूटर और ये जो है बहुत तेज़ी से काम करता है और ये बहुत पावरफुल होता है दे सपोर्ट सीबरल प्रोसेसर फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम इसका यूज़ हम लोग करते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम को यूज़ करने में दे कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ टिपिकल कैलकुलेशन विद इन सेकेंड ये बड़े से बड़े प्रॉब्लम को चंद सेकंडों में ये सॉल्व करता है दे आर ऑल्सो यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग एयरफोर मिसाइल्स एंड सैटेलाइट हैंडलिंग इसका इस्तेमाल हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग में करते हैं एयरफोर मिसाइल्स एंड सैटेलाइट हैंडलिंग में करते हैं सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर आर द पावरफुल मल्टी यूज़र कंप्यूटर ये जो होता है मल्टी यूज़र होता है इसको एक साथ अनेक लोग यूज़ कर सकते हैं कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एनी हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ यूजर्स सिमल्टेनियसली नॉर्मली दे आर यूज्ड इन बैंकिंग इसका जो होता है एक साथ इस पर थाउजेंडों लोग करते हैं काम और इससे कनेक्टेड रहते हैं और इसको हम लोग अधिकतर बैंकिंग लाइन में यूज़ करते हैं एयरलाइंस एंड रेलवे ETC फॉर देयर एप्लीकेशन और एयरलाइंस में और रेलवे में भी इसका इस्तेमाल होता है इसके एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए मिनी कंप्यूटर आर लोअर टू मेन फ्रॉम कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी मिनी कंप्यूटर जो कि नाम से ही मिनी लग रहा है ये छोटा होता है दे यूज़ मल्टीपल डिवाइस सच एज कीबोर्ड माउस CD-ROM प्रिंटर ETC इससे कनेक्टेड होते हैं डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया माउस CD-ROM प्रिंटर ETC फोर्थ इज माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कैटेगरी ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर ये डिजिटल कंप्यूटर का सबसे छोटा होता है दे इंक्लूड ए मोनिटर ए कीबोर्ड ए माउस एंड ए हार्ड डिस्क ड्राइव इससे कनेक्टेड होते हैं माउस मोनिटर कीबोर्ड और हार्ड डिस्क दे कैन ओनली बी यूज बाई 1 person एट ए टाइम जिसका इस्तेमाल एक समय में एक ही आदमी कर सकता है दे आर क्लासिफाइड इंटू जिसके वर्गीकरण है डेस्कटॉप लैपटॉप आईपैड्स वगैरह हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द डिजराइबल फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर ये डिजराइबल होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का हाइब्रिड्स कंप्यूटर आर मेनली यूज फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क इसका स्पेशल टास्क के लिए यूज़ करते हैं हम दैट्स ऑल थैंक्स